सबके पास वोकैबुलरी का बुक आ गया बच्चे। बहुत बढ़िया। वोकैब हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वोकैब याद करने के दो तीन प्रोसेस हैं, जिसमें हम एक प्रोसेस आज अप्लाई करेंगे, ठीक है। इंग्लिश सीखने के लिए जैसे कल कहा था कि हम लोग स्टार्टिंग से, स्टार्ट का मतलब ए बी सी डी से कह सकते हैं या बिल्कुल जीरो लेवल से कह सकते हैं, स्टार्ट किया जा रहा है यहाँ पे, और वहीं से क्लास की शुरुआत की जा रही है। और आज भी क्लास बिल्कुल बेसिक से होगा। आज हम लोग का दो टॉपिक समाप्त करना है। एक टॉपिक का नाम होगा अल्फाबेट और एक का नाम होगा वर्ब। ये दो काम करेंगे। जैसे कल हमने कहा था कि इंग्लिश की शुरुआत जो होती है वह साउंड से होती है। जो आज फर्स्ट डे यहाँ लिखते चलेंगे, शुरुआत कहाँ से होती है? साउंड से। और साउंड से बनता है लेटर, और लेटर से बनता है वर्ड, और वर्ड से बनता है क्लाउस, और क्लाउस से बनता है सेंटेंस। यह है बहुत आसान पार्ट। और सेंटेंस में दो चीज होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्ट और एक होते हैं प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में होते हैं क्या? वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। पहले कहा था कि हम लोगों का सिलेबस है। जो आज बच्चे फर्स्ट डे आए हैं वो लिख लेंगे इसको। क्लास की शुरुआत साउंड, लेटर, वर्ड, क्लाउज, सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इंग्लिश की शुरुआत हम लोग यहां से करेंगे साउंड, लेटर, वर्ड, क्लाउज। और क्लाउज में क्या है? सेंटेंस बनता है बड़ा, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ये सिलेबस है। जो जो आज बच्चे फर्स्ट डे आए हैं वो लिख लीजिए। लिख लिया इसको, सिलेबस लिखा हुआ था। आज हमने कल पढ़ा था सब्जेक्ट क्या होता है, इसलिए जो बच्चे आज नए आए हैं घबराना मत कि सब्जेक्ट पता नहीं हो गया। अभी बैच नया है, समझो कि शुरुआत हुआ ही नहीं। ये सब खत्म भी हो जाएगा तब भी आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारे पार्ट आगे रिपीट होते रहेंगे। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था सब्जेक्ट क्या होता है, आज पढ़ेंगे वर्ब क्या होता है। लेकिन वर्ब समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा लेटर क्या होता है, यानी अल्फाबेट। तो पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, फिर हम वापस आएंगे। यानी आज हम लोगों को ये भी समाप्त करना है और यह भी समाप्त करना है। ये दोनों पार्ट आज हम लोग को फिनिश करना है। क्लियर है? तो दोनों पार्ट समाप्त करना है और वर्ब को समाप्त करना है, बेसिक क्लास को। आज बैठो कहीं, यहाँ बैठो, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। वोकेबलरी आज से स्टार्ट किया जाए। कितने बच्चे के पास बुक नहीं, हाथ उठाइए। इतने बजे बुक नहीं है, ऑफिस में है, नहीं तो यहाँ चाहिए ना। चलिए सुनो, एक बात मेरा सुनो। ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, आपके पास कोई हथियार नहीं है, युद्ध के मैदान में चले गए। आपसे इतना क्वेश्चन पूछा नहीं बन रहा है, आप चले गए युद्ध के मैदान में। भाई युद्ध करने गए हो तो गोली बारूद तो चाहिए ना, यही है गोली बारूद। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेसिक क्लास चाहिए, तो सबसे पहला चीज ध्यान देना, ये बेसिक किताब है, कहानी वाला किताब है। ये सारा 12-13 किताब आपके पास होना चाहिए। ये 12-13 किताब के पास होना चाहिए, राइट। आज 18 तारीख है, आज से बैच शुरू किया हूं मैं। आज से सुबह 10 बजे नया बैच स्टार्ट किया हूँ। आप रात को 9 बजे पढ़ाया कुछ नहीं हूँ, अभी भी सीट बुक करा सकते हो। 18 में है सुबह 10 बजे। सुबह कितने बजे? 10 बजे, 10 AM में नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी कोई क्लास नहीं लिया गया, अभी 3-4 दिन डेमो चलेगा। आज भी आप देख रहे हो डेमो, रात को 9 बजे देख रहे हो ना, ये सुबह 10 बजे क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे चल रहा है यही क्लास। तो इसको देखिए, कल भी पढ़ाऊंगा 9 बजे रात में और 10 बजे वहां। एक किताब आपकी स्वाब बढ़ाएगा, लेकिन अगर क्लास ले लोगे ना और इसे भी ले लोगे ना तो चमत्कार हो जाएगा। और चमत्कार होते आप देख सकते हो। साथ साथ ये देखो क्या लिखा, ब्रिलियंट बैच, इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ब्रिलियंट ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। भाई साहब दिल्ली आ सकते हो तो आ जाओ, आ सकते हो आ जाओ, सर मजबूरी है, नहीं आ सकते, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन है, घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन पर क्लास ले सकते हो। कितने पैसा में सर? आपके लिए हमने फीस कम कर दिया। देखो भाई, 1000 रुपया फीस है, 5 महीना 6 महीना पढ़ाऊंगा, 6-7 महीने क्लास चलेगा, 12 महीने तक 100 रुपया महीना ट्यूशन पढ़ता है बच्चा। आपका जो बच्चा होगा ना घर पे, छोटा भतीजा, वो भी 500 महीना लेता होगा। ये 100 रुपया महीना भी नहीं है, 1 साल तक पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एक शर्ट कम पहन लेना, लेकिन इस पे खर्च करो, इसको इन्वेस्ट कहते हैं। इसके बिना नॉलेज अधूरा है। पढ़ना चाहते हो इंग्लिश घर बैठे, तो इससे बेहतर कोई क्लास नहीं है। दोस्तों को शेयर कर दो, दोस्त, भाई, भतीजा, चाचा, फूचा, जो भी चीज है सबको बता दो,
इससे बेहतर ऑफर भी नहीं मिलेगा हर गरीब बच्चे के लिए। ये ऑफर सबके लिए इक्वल है, कोई गरीब अमीर नहीं। जल्दी से इसको आप, मैं तो कहूँगा कि लूट लो, लेके रख लो, बाद में पढ़ लेना, लेकिन छोड़ो मत, क्योंकि इससे बढ़िया ब्रिलियंट बैच का ऑफर नहीं मिलेगा और इससे बेसिक भी नहीं होगा। बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, किताब प्लस नोट्स आपके पास होना चाहिए और इसको पढ़ने का तैयार करिए। देखो कितना बड़ा ऑफर है, मात्र 999, देख रहे हो 10,199, ये 10,000 नहीं है, 1,099 है। तो बहुत बड़ा ऑफर आपके लिए है, इसको करो, ये बत्ती जल जाएगी दिमाग की, ये ऑफर का लाभ उठाइए, इससे बेहतर क्लास संभव नहीं है। मैं धर्मेंद्र सर आपके लिए काम करूंगा सिखाने के लिए। और देखो अगला क्वेश्चन, अगला काम क्या कहता है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, अल्फाबेट से शुरुआत करते हैं आज का पहला क्लास। अल्फाबेट ये सबको आता होगा, मैं आज नया नहीं पा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबको आता है, इसलिए अंदर से कॉन्फिडेंस रखना है, ना समझ में आए तो बोलना। अल्फाबेट राइट, वर्णमाला, मैंने धोखे से लिख दिया अल्फाबेट, क्या लिख दिया अल्फाबेट, समझते रहना, लिखते रहना है। अल्फाबेट्स और अल्फाबेट में अंतर क्या, ध्यान दीजिएगा, शुरुआत यहीं से करते हैं, ध्यान देना। अल्फाबेट हम लोगों को पढ़ना है, अल्फाबेट्स ये लैंग्वेजेस हो जाते हैं, ढेर सारे लैंग्वेज को अल्फाबेट्स कहते हैं, यानी किसी भी नाउन में अगर एस लगा दिया जाए तो उसका मीनिंग बदल जाता है, उसका मीनिंग बदल जाता है। तो ये भी बात ध्यान रखना है, कहीं भी एस मत लगा देना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी नाउन में एस या आई एस लगा दो तो बन जाता है प्लूरल, पढ़ा ना ऐसा, जैसे सर बॉय, बॉय का मतलब कितना लड़का, और बॉयज का मतलब एक से ज्यादा लड़का, पता है आपको। लेकिन अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला, और अल्फाबेट्स का मतलब वर्णमालाएं, भाषाएं, यानी वर्णमलाएं नहीं होगा। जैसे आप तो एक एक चीज तो जानते ही होंगे कि गुड एक एडजेक्टिव है, ए नाउन भी है, तो अच्छा, लेकिन अगर गुड्स बना देते हैं तो क्या होता है, सामान, वस्तु, बस समझ पा रहे हो। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एस लगा दो तो मीनिंग बदल जाता है। हिंदू में एक लाइन लिखा है, देर आर मेनी अब्यूजेज इन आवर सोसाइटी, देर आर मेनी अब्यूजेज इन आवर सोसाइटी। तो अब्यूज का मतलब हम लोगों ने गाली पढ़ा हिंदी में, अब्यूज मतलब गाली, अब बोल दिया मेनी अब्यूजेस तो हिंदी निकाल रहे हैं, हमारे समाज में बहुत सारी गालियां हैं। अब बोलो अर्थ का अनर्थ, हिंदू में स्टोरी लिखेगा, वहां था हमारे समाज में कुरीतियां बहुत ज्यादा हैं। तो एब्यूज का मतलब गाली, और एब्यूज में एस लगा दिया तो हो गया सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयां, सामाजिक कुरीतियां। तो ये हमेशा अलर्ट रहना है, किसमें एस लगना चाहिए, किसमें एस नहीं लगना चाहिए। तो उसी प्रकार अल्फाबेट्स में, अल्फाबेट में एस नहीं लगना चाहिए, लगेगा तो हो जाएगा भाषाएं। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात। तो पढ़ना है क्या हम लोगों को, अल्फाबेट। अब बोलो अल्फाबेट सबको आता है ना, बहुत अच्छी बात, मैं भी लिख रहा हूं ताकि किसी बच्चे को ही ना लगे कि सर बेसिक्स नहीं पा रहे हैं। जैसा मैं कर रहा हूं आप सब कर रहा, ये मत सोचना कि सर आप लिख रहे हो, मुझे तो आता ही है, मैं क्यों लिखूं, लिख लेना बाबू, ठीक है। ऐसी बना लो, शुरुआत क्लास है। एक घर पे क्या करना, 3 कॉपी लेकर आना, एक घर के लिए फेयर करना बढ़िया से कॉपी में, ठीक है, और एक कॉपी यहाँ रफ करना रगड़ने के लिए, और एक कॉपी वोकैब के लिए लेकर आना, और एक कॉपी टेस्ट के लिए लेकर आना, 3 कॉपी यहाँ के लिए, एक कॉपी घर के लिए। आराम से जैसे कहता हूँ पढ़ते चलो, क्लास आगे अच्छा लगेगा। ए अल्फाबेट हो गया वर्णमाला, ए ई आई ओ यू क्या है तुम्हारा, बचपन जानते हो ना, बहुत अच्छी बात। ए डब्ल्यू और वाई क्या होता है, सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स ये कहलाता है क्या, वॉवेल्स, इसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। इतना ज्ञान सबको है, आपने जैसा मैंने करा वैसे कर लिया कॉपी में, बहुत अच्छी बात। अब जो पूछा जाता है जवाब देंगे, ये वॉवेल है कितने, 5। आपकी बचपन की उम्र थी 5 साल, तो 5 था ये, 10 हो गई फिर भी 5 था, आप 20 कहोगे फिर भी 5 ही है, ये बढ़ता नहीं है, ये बढ़ नहीं रहा, जल्दी आ जाओ। ये बताओ ये वॉवेल 5 ही क्यों है, नंबर 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये बी सी डी वॉवेल क्यों नहीं है। नंबर 3, ये वॉवेल पढ़ते क्यों है, वॉवेल पढ़ते क्यों है। बचपन में मास्टर जी ने पढ़ाया वॉवेल 5 याद कर, अगर भूल से ए ई आई ओ में कोई एक छूट गया तो मार पड़ती थी, अभी तक तो तुझे याद नहीं है। पिताजी पीटते थे वॉवेल 5 ही रट्टा मारो, लेकिन कभी आपने पिताजी से पूछा कि वॉवेल 5 क्यों पढ़ा रहे हो, क्या आपके लाइफ में कभी यूज हुआ कि वॉवेल है, ईमानदारी से बोलना। इतने दिन से अंग्रेजी पेपर हिंदू पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, कहीं पढ़ते हो, क्या वॉवेल की याद कभी आई, कभी याद आई कि वॉवेल है यहाँ पे, तो पढ़ा क्यों, जब काम नहीं आता है तो अपने बच्चों को पीट पीट के क्यों पढ़ा दो वॉवेल 5। अगर बच्चा आपसे
क्रॉस कर दिया कि पांच मुझे क्यों रटवा रहा, बताइए इसका यूज कहां करेंगे। हमने फर्स्ट डे कहा था, आई हैव टोल्ड यू द वेरी फर्स्ट डे कि इंग्लिश पढ़ो, ए लैंग्वेज है जिसका यूज हो, वरना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं यहां जो भी पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा, थ्योरी से कोई मतलब नहीं। आज के बाद भोवेल पांच नहीं होंगे, आज के बाद भोवेल होंगे 20, कॉन्सोनेंट होंगे 24, दोनों मिलके हुए कितने 44। इसको कहते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक साउंड। क्या इसे कहते हैं? क्योंकि इंग्लिश टिका किस पे है? साउंड पे। साउंड के आधार पर हर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, हर लैंग्वेज का प्रोग्रेस होता है, हर लैंग्वेज का विकास होता है। यानी साउंड ही हर भाषाओं को जन्म देता है। आप चाहे हिंदी बोलो तो हिंदी बोलने से पहले आपको कोई भौगोलिक कौशल ज्ञान था क्या? जब हिंदी में भौगोलिक कौशल ज्ञान नहीं था तो यहां कहां से ज्ञान हो गया? आर्गुमेंट में पॉइंट जो पा रहा हूं समझने का प्रयास कर, दिमाग उलझाना मत अपने आप को। भौगोलिक कितने बोला मैंने? ये कितना बोला? प्रूफ करूं, घबराना नहीं है। अब ए ई आई यू, पहला क्वेश्चन था भौगोलिक पांच नहीं होता क्योंकि साउंड पर बेस्ड है और साउंड के आधार पर हम लोग काम। दूसरा क्वेश्चन था भौगोलिक क्यों पढ़ते हैं? भौगोलिक कौशल का जन्म हुआ इसलिए कि एक आर्टिकल नामक चैप्टर जन्म लिया। क्या जन्म लिया? अगर ग्रामर से आर्टिकल नामक चैप्टर को हटा दिया जाए तो वोवेल कॉन्सोनेंट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारे दादाजी पापा जी पढ़ते थे कि वोवेल के पहले आर्टिकल एन लगाना। बोलो यस और नो? वोवेल के पहले आर्टिकल। लेकिन आप बड़े हो गए, क्या यह सत्य बात है क्या कि वोवेल के पहले आर्टिकल लगाते हैं? नहीं लगाते, बात तय हो गया। अब नई बात फिर कहा कि अब कहां लगाते हैं? तुमको हिंदी वाले मास्टर ने कहा होगा कि आ आ ई ई ऊ के पहले एन लगाना। हर चीज में हिंदी घुस आता है, बात समझ पा रहे हो कि आ यू के पहले क्या लगाना? एन लगाना। फिर यहां कॉन्सेप्ट हर चीज में हिंदी। अब यहां पे नया कॉन्सेप्ट आएगा कि आखिर एन कहां और ए कहां। आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा, ध्यान देना, आर्टिकल का क्वेश्चन कुछ नहीं। मैं बस इसलिए पढ़ा रहा हूं कि टेंस में जब सेंटेंस बनाओगे तो जितने आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी उतना ही पढ़ा रहा हूं। आर्टिकल चैप्टर नहीं हो रहा है, बस इसलिए बता रहा हूं। कहीं कुछ हमने कल कहा था कि दुनिया के सारे नामों के साथ आर्टिकल लगता है, कहा था ना बात? और जो बात मैं कहूं बेटा उसको दिमाग में घुसा लेना, वो बदलेगा नहीं, किसी भी कीमत नहीं बदलेगा। वापिस आ जाओ तो भौगोलिक 24 ये आप लिख लिया है, वापिस आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर ने कहा कि आर्टिकल के लिए हम पढ़ते हैं और इसे कॉन्सोनेंट के पहले आर्टिकल ए लगाते हैं और भौगोलिक आर्टिकल एन लगाते हैं, ऐसा बचपन से पढ़ा गया था। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा भुला के भी फिर वापस यहाँ पे आऊंगा। अब एक चीज मैं साउंड पे बेस करता हूं। हमने कहा हर चीज के लिए क्या आता है, अब साउंड का एक मैनेजमेंट पढ़ना होगा। जैसा कल कहा था कि टाइम मैनेज नहीं करते, माइंड मैनेज करते हैं, माइंड मैनेजमेंट इसे भी क्लास दूंगा एक दिन। तो साउंड के लिए आपके ये बॉडी को जानना बेहद जरूरी है ताकि पता चले कि साउंड कहां निकलता है। जैसा फोटो मैंने बनाया आप भी बना डालो, नहीं बनता है मुझे कहां बन रहा, जैसा मेरा है वैसा बना लो, ठीक है? अब देखते दौड़ो हमसे, फटाफट खेलिए मेरे साथ। अभी 3-4 दिन ना पढ़ने के लिए मत आइए, अभी 3-4 दिन बस मेरे साथ खेलिए, पढ़ना 4 दिन बाद। आपका बैच स्टार्ट होगा 4 दिन बाद, 4 दिन पहले क्या करो? इंग्लिश में खेलो, तब होना सीरियस। इसे बच्चों ऐसा काम करो। ये क्या है जी? दांत है, टीथ। देखो ये क्या है? टंग, जीवा। ये क्या है सर? वोकल कॉर्ड है। ये क्या है सर? लिप्स। कोई नहीं, थोड़ा लिप्स बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है यहां तक। ये तुम्हारा आईज है, ये तुम्हारा ब्रेन है, क्लियर? ये ईयर है। फोटो बना लिया। अब आपके अंदर घुसने का रास्ता कौन कौन है? कौन? ए, ए, बस यही 3 रास्ता है ना जी, और के माध्यम है इंग्लिश लैंग्वेज सुनने का, करने पढ़ने का, कोरा यही 3 सोर्स है तुम्हारे अंदर जाने का, ठीक है? देखो बेटा सबसे थोड़ा सा अलग मैं पढ़ाता हूं, अगर मेरे को झेल लिए तो हिंदुस्तान में आपको सब झेल लेगा, बस समझ गया आपको। बस ये थोड़ा समझने का प्रयास करना, थोड़ा लगता है ये नहीं होता क्या, नहीं क्लास में कहीं जाते हो तो डायरेक्ट एग्रीमेंट चैप्टर शुरू हो गया और डायरेक्ट एसएससी का क्वेश्चन शुरू हो गया तो आपको मजा तो आएगा लेकिन आपके लिए वो नासूर बनेगा, घाव बन जाएगा, अंग्रेजी सीख नहीं पाओगे कभी लाइफ में, सिलेक्शन होते होते रह जाता है। बस में रहो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख लो, आजीवन जिस क्षेत्र में जाओगे क्रांति फैला दोगे। यहाँ क्या कहा? लिप्स, टीथ, टंग, वोकल कॉर्ड। अब जितना भी साउंड निकलता है तुम्हारे बॉडी से सिर्फ यहीं से निकलता है। तुमको लगता है यहां से बोल रहा हूं, नहीं गलत बात, मैं बोल कहां से रहा हूं? यहां से। इसको दबा दो, खत्म, दबाना मत,
लाइफ खत्म हो जाएगी। यानी सारा साउंड कहां निकलता है, कुछ भी बोलो यहां से निकलता है। अच्छी बात, जब यहां से निकलता है बोलो बॉय, माउथ खोलो, बोलो बॉय, यहां से बोल सकते हो। अगर जिस बंदे का लिप्स काट दिया जाए बॉय बोल पाएगा, बोलो फैन, बिना लिप्स का बोलो, बोल पाओगे पेन, बोल पाओगे। अब हाथ ऐसे करो और बोलो बॉय पेन फैन, क्या फील किया? सारा खेल हवाओं का है, नहीं यानी अंदर से साउंड नहीं है, अंदर से एयर है। क्या है? एयर। ये मशीन यहां पे लगा टोटल, यानी एयर का यहां से फ्लो होता है, और एयर जो आता है वो होता है प्लेजेंट एंड पेन साउंड, प्लेजेंट एंड, और प्लेजेंट एंड पेन साउंड को बोलते हैं वोकल साउंड। क्या बोलते हैं उसे? जब भी तुम दुख में हो या खुशी में हो, हमेशा यही सवाल निकलेगा, जैसे तुम बोलो आह, कहां से निकला? ओह, डायरेक्ट निकला, मैंने हल्का सा हेल्प लिया लेकिन यहां से निकला ना। तो जो भी प्लीजेंट साउंड या पेनफुल में हो, तो दुख दर्द होता है तो साउंड यहां से आह आह करते रहते हो, दर्द होता कहीं तो कुछ कर जाता है, राइट? तो ये सब साउंड क्या है? वोकल साउंड। और आज के बाद वोकल साउंड कितने होते हैं? 20। इन सब के पहले आर्टिकल एंड लगाना, प्रूफ किया जाएगा जस्ट अभी एग्जांपल देकर। वोकल साउंड से पहले क्या लगाना? एंड। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट टेक्स द आर्टिकल एंड। एंड का प्रयोग कहां करेंगे? वोकल साउंड से। कहां से निकलेगा? कंठ से, जीवा टच नहीं होना चाहिए। आ, क्या लगाएंगे? एंड। अब कैसे लगाएंगे बताऊंगा, फिलहाल वापिस आ जाओ। वोकल साउंड समझ में आया सबको? लिखवा दूं या काम चल जाएगा? लिखवा दूं तो एक लाइन जल्दी से लिख लो, अ लेटर दैट प्रोनाउंस, अ लेटर, एक मिनट, मैंने वादा किया था हर चीज लिख देने का, तो मैं लिख देता हूं हर चीज। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट टेक्स द आर्टिकल एंड। ठीक है, ये स्पेलिंग पढ़ने में दिक्कत हो बेटा पूछ लेना फटाफट। अ लेटर दैट प्रोनाउंस पी आर ओ एन ओ यू एन सी विथ द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, ये काट दिया मैंने, इट टेक्स द आर्टिकल, ए आर टी मतलब आर्टिकल एन, उसके पहले आर्टिकल क्या लगाना? एन लगाना। क्लियर? बहुत सारा काम समाप्त करना आज आपके साथ, तो वोकल कॉर्ड लिख दिया सबने, बहुत अच्छी बात। अब एग्जाम्पल दूंगा जस्ट अभी, हमने कहा था यहां पे कि लिप्स टीथ टंग वोकल कॉर्ड वाला काम समझ में गया। अब सर मुझे एग्जांपल चाहिए कि पता करूं कैसे होता है, लेकिन पहले समझना पड़ेगा कॉन्सोनेंट, राइट? अब देखो, जो भी साउंड में मशीन लग जाए, जैसे टीथ का हेल्प हो जाए, ए टंग का हेल्प हो जाए, लिप्स का हेल्प हो जाए, या बहुत सारा चीज ऐसा भी है जो मशीन लगा है जो हमको नहीं भी पता है कहाँ कहाँ काम करता है। जैसे तुम्हारा बॉडी भी काम कर जाता होगा अंदर से, जैसे मैं बोला बॉय, अब बॉय बोलने में लिप्स भी काम कर रहा है, टीथ भी हल्का हल्का काम कर रहा है, टंग भी काम कर रहा है ना। तो जिसमें तुम्हारा बॉडी काम करता हो, जैसे वह साउंड जिसमें लिप्स काम करता हो, टीथ काम करता हो, एक लाइन में कहें कि बॉडी का कोई पार्ट हेल्प करता हो, उस साउंड को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, और उसके पहले आर्टिकल ए लगाएंगे। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स टीथ टंग पार्ट्स ऑफ बॉडी, इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड, इट टेक्स द आर्टिकल ए। लिप्स टीथ बॉडी कर दिया हमने, लिप्स टीथ बॉडी मतलब हाथ पैर मत सोच लेना, बॉडी मतलब अंदर का जो मशीन लगा है, टंग है, पैलेट है ना। तो इट टेक्स द आर्टिकल ए, लिखते चलिए फटाफट सब लोग। सरेंडर कर दो, 10 दिन में अंग्रेजी आ जाएगा, कर दिया है ना सरेंडर, ठीक है। तो अ लेटर लिख लो उसको एक लाइन में, अ लेटर दैट प्रोनाउंस, लिखने की याद बनाओ, अ लेटर दैट प्रोनाउंस, अब बोर्ड में लिखूंगा, लिखवा पहले से है मेरा, है ना, लिखो अ लेटर दैट प्रोनाउंस
सेम स्पेलिंग पहले वाला होगा, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स टीथ बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स टीथ पार्ट्स ऑफ बॉडी, इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड. आराम से, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स टीथ बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड, इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड. फुल स्टॉप. इट टेक्स टी ए के एस, इट टेक्स आर्टिकल ए, इट टेक्स आर्टिकल ए, इट टेक्स आर्टिकल ए. किसी बच्चे को अगर जो मैं बोल रहा हूं लिखने में दिक्कत होगा तो मुझसे मिलना कि सर यह भी दिक्कत है, उसको लिखा लिखाया नोट्स भी दे दूंगा ताकि लेकर के आना, आपको बस उसको फेयर कर लेना है. बाकी 10 दिन का मुझे समय दो तो मुझे जानो मैं तुझे जान लूं, लेकिन 10 दिन मेरे संपर्क में रहो, अपने आप को जनवाओ मेरे से कि सर ये कमी है, मेरे से दूर मत जाना, चूंकि मुखर्जी नगर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में मेरे ऐसा बेसिक कोई नहीं पढ़ाता. बस मैं बात को इफेक्ट बात बोल रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के हर मास्टर को मैं जानता हूं, ठीक है, इसलिए बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है. इससे बेसिक क्या हो सकता है. हमने एक साथ दो बैच स्टार्ट किया है, एक ब्रिलियंट बैच के नाम से जो कि फाउंडेशन कोर्स है जिसमें लिखना पढ़ना बोलना सब आएगा, लेकिन ये ब्रिलियंट बैच उनके लिए है जो हिंदी से इंग्लिश मीडियम बदलना चाहते हैं. वो चाहते हैं डीएम बनना, कलेक्टर बनना, आईएएस बनना. वो चाहते हैं सर ना हिंदी पढ़ पढ़ के बोल गया, अब आई वांट टू चेंज माय मीडियम, यानी हिंदी से इंग्लिश मीडियम बदलना चाहते हैं. राइटिंग स्किल्स नहीं आता, एक लाइन समझ में नहीं आता, हिंदू पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में समस्या है. फाउंडेशन बैच ब्रिलियंट बना दूंगा, छोड़ूंगा नहीं. एक भ्रम जाल में नहीं रहो, कहीं नहीं, कोई टक्कर में नहीं है, सीधा आ जाओ. इससे बेहतर क्लास कहीं छलावा नहीं में जाना है. यही बैच सिखा सकता है धर्मेंद्र सर ही सिखा सकते हैं आपको अंग्रेजी, क्योंकि बेसिक सिर्फ यहाँ पे होता है, एडवांस सिर्फ यहाँ पे होता है, एग्जाम का तैयारी यहाँ पे होता है, तो ये मिलेगा. साथ साथ आप स्पोकन में परफेक्ट बनना चाहते हो तो संदीप का बैच है. यहाँ पे संदीप स्टार्ट किया है परफेक्ट बैच, तो यहां से आप परफेक्ट बैच शाम को 6:30 बजे 10 बजे ब्रश किया इंग्लिश फाउंडेशन से और दिन भर बोला, शाम को 6:30 बजे बन गए परफेक्ट इंग्लिश में संदीप के साथ. और बिल्कुल नया बैच, लेकिन सबके सब बैच मिलेगा कहां, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर. चूंकि क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूं और सारा काम कर रहा हूं, मेरे दोस्त आप कमेंट करो, एक बार लिखते भी रहो कि आप हो कौन, नाम भी लिखते रहो और क्वेश्चन का आंसर बताते रहो, ए सही कि बी सही, आप देखते भी रहो. ये सिर्फ ऐड मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप जानते नहीं हो तो जानकारी ले लो और देखते रहो एक बार. मुश्किल से हमेशा घबराना नहीं है, नहीं आता क्वेश्चन कोई बात नहीं, डरना नहीं है, लेकिन इस बैच को ज्वाइन कर लो क्योंकि इस पे खर्च करो. एक दिन नहीं पहनेंगे कोई दिक्कत नहीं, ना नहाएंगे चलेगा, ना खाएंगे चलेगा, लेकिन ब्रेन को अगर शार्प कर लिया तो माँ देखो ना, इन दोनों कोर्स को, स्पोकन कोर फाउंडेशन को, दोनों कोर्स को हमने स्टार्ट कर दिया 50% नहीं 90% डिस्काउंट में, और वो भी इतना इतना करके नहीं, मात्र कॉल कर लो, नंबर दिया जा रहा है, कॉल कर लो. आगे देखते हैं, ये देखिए एक अगला कॉन्सेप्ट है. ये किताब हमने कल ही लॉन्च किया है, स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन. ये ट्रेंडिंग में आ गया अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, या फिर आपके नजदीकी बुक स्टोर मिलेगा. अगर आपका बेसिक कमजोर है तो ट्रांसलेशन का किताब आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से है, इसको भूचाल की तरह खरीदिए और इंग्लिश सीखने का प्रयास करिए. ये आपके नजदीकी दुकान मिल जाएगा. ट्रांसलेशन का किताब है जुडिशरी के लिए, राइटिंग के लिए यह किताब आपके पास होना चाहिए, ठीक है. तो क्या लिखा, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स टीथ टंग पार्ट्स ऑफ, इट टेक्स द आर्टिकल. यहां तो बात समझ में आ गया, आगे बढ़िए फटाफट. अब देखिए एग्जांपल देखते हैं. बोलो तुम्हारे नजर में यू क्या है, वॉवेल है ना, अच्छी बात, वॉवेल है. अब यहां से लिखा अम्ब्रेला, यहां लिखा यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, एक लिखा अम्ब्रेला, एक लिखा यूनिवर्सिटी. अब यहां ध्यान दो, साउंड पढ़ते साउंड निकालते कैसे हैं,
पढ़ते हैं पूरे को, लेते हैं पहले को, पढ़ते हैं पूरे को, लेते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे यहां से पढ़ो यूम्ब्रेला या फिर आम्ब्रेला, तो पहला जो लेटर है जब पूरा पढ़ा तो पहला साउंड वोकल है या नहीं है? आ, आम्ब्रेला, तो पहला क्या वोकल है? फिर से सुन लो, पढ़ते हैं पूरा लेते हैं, तो पहला साउंड यू है कि आ है? आ में कहीं लिपस्टिक काम किया क्या? आया ना वोकल कॉर्ड, तो आंख बंद कर क्या लगाएंगे? यहां आ जाओ, इसको पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी, यू लिप्स काम किया कि नहीं किया? काम किया तो क्या लग जाएगा? कोई आपत्ति? दूसरा आ जाओ, यहां लिखा एच, तुम्हारे नजर में बोलो एच कौन सा साउंड है, कौन सा लेटर है, कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? अब एच से दो लिखा, देखो एक है आवर एक है हॉर्स, पढ़ते हैं पूरा साउंड, पढ़ते हैं पूरा साउंड। अब देखो आर, माउथ कुआं खोलो, आर, इसको हावर नहीं पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं आवर, पढ़ते हैं आर, वन आर, आ, आर, बोलो वोकल कॉर्ड है कि नहीं, क्या लगेगा? अब इसको पढ़ो हॉर्स पढ़ते हैं या हॉर्स पढ़ते हैं? अब हॉर्स पढ़ते हो पेट पे हाथ रखो, अंदर घुसता कि नहीं घुसता, बोल के देखो आराम से, हॉर्स, हॉर्स यहां से काम कर रहा है, यानी साउंड कहां से आ रहा है? पेट से आ रहा है, हॉर्स, यहां भी कुछ काम कर रहा है, यहां भी कुछ काम कर रहा है, हॉर्स काम कर रहा है, तो क्या लगेगा? इसी से लगता है बॉडी का साउंड, तो लगा बोलता है सर हॉर्स यहां से आ रहा है, सर नहीं, फील करो बॉडी को, हॉर्स और रिलैक्सिंग साउंड, ये क्या है? रिलैक्सिंग साउंड, पेन एंड प्लीजेंट, और एक ऐसा है कुछ बॉडी में काम करेगा, कहीं पेट में ऑपरेशन किया हो तो हॉर्स बोल में दर्द करेगा, अगर पेट में ऑपरेशन हो लेकिन इसको बोलोगे आ तो मजा आएगा, दर्द में आह बोलना क्या होता है? आनंद आता है। अब तुम लोग पता नहीं आनंद फील किया होगा नहीं किया होगा, लेकिन कहीं भी दुख दर्द हो तो वोकल साउंड से प्लीजेंट, आनंद में भी और पेन में भी, तो ये बात समझ में आया बच्चे? इसका मतलब कर लेंगे हम लोग, अच्छी बात। अब क्या है कि टोटल आपके पास लेटर है कितना? 26, लेकिन सर ने आपने तो कहा 44, आपने मैंने तो ही कहा ना, चलिए वहीं पे आते हैं वापिस, एग्जाम्पल और दूं कि हो जाएगा, एक आध और दिखा दूं, देख लो देख लो, और देख लो, हमने लिखा ये, इससे देखो ई वर्ड ले लिया, बोलो ये क्या है? प्योर वोवेल। अब ई से लिख दिया हमने एलिफेंट, इसलिए क्या हमने यूरोपियन, देख लो सो एलिफेंट, एलिफेंट वोकल कॉर्ड यूरोपियन, और लो ओ देखो, ओ क्या है? प्योर वोवेल, ओ से लिखा ऑरेंज, पढ़ते हैं ऑरेंज नहीं ऑरेंज, साउंड हम लोग को ठीक करना पड़ेगा, बताऊंगा साउंड कैसे होता है, ऑरेंज लोग पढ़ते हैं ऑरेंज, ऑरेंज क्या लगेगा? अभी एसएस में क्वेश्चन पूछा था, वन आइड मैन, जाके चेक कर लेना क्या लगा, वन क्या लग जाएगा, ए आ वन, वन आइड मैन, एक कहां का आदमी, वन आइड मैन, ये सेम एग्जांपल यूपीएससी में पूछा है, सेम एग्जांपल एसएससी सीपीओ सब जगह पूछा हुआ, वन आइड मैन क्या आर्टिकल क्या लगेगा, क्या लग जाएगा वहां, ए वन, फुल करो वन, ए लग गया ऑरेंज, एन आ गया, तो ऐसे हजारों पर जितने भी 26 हैं, सवा चार तो आएगा यहां पे। अब चार लेटर ऐसा है जो परेशान करेगा, कौन सा? ए आई और डब्लू वाई, जो क्या लिखा था, सेमी वोवेल, पहले खत्म करते आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाऊं, इसको लिखते रहिए, कुछ पढ़ा ही नहीं रहा मैं, ये सब आपको आता है अभी सर, देखो अब बच क्या गया, डब्लू वाई बचा है ना, अच्छी बात, मैंने एक वर्ड लिखा ईयर, अब ईयर से पहले हमें लगा दिया ई, एक लगा दिया एन, सर ने पढ़ाया साउंड के आधार पर एन लगाना, मैं कुछ बिना कुछ सोचे पूछे आपसे पूछता हूं, जैसे हमने कहा ईयर 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 ईयर, क्या होता है कि डब्लू और वाई हमेशा परेशान करेगा, तो जो परेशान करे, मान लो हमने कहा आंख बंद फील करो, ईयर वोकल कॉर्ड, ईयर ईयर ईयर, ये लगा दो,
है ना। तो जो वर्ड परेशान करे उसका इलाज होना चाहिए, राइट। तो इसका इलाज ये है कि इफ एनी वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई, डोंट ट्राई टू चेक द रियल साउंड ऑफ द वर्ड, इट टेक्स द आर्टिकल ओनली। कॉन्सेप्ट क्या दिया, डब्ल्यू और वाई से दुनिया का कोई शब्द स्टार्ट हो तुम चेक ही मत करो, फंस जाओगे, बिकॉज वी आर इंडियन। हम लोग का अपना अपना टंग है, भोजपुरी वाले का बोलता है यरवा। तो ये परेशानी है ना यहाँ पे, है ना। एक लड़का पूछा था क्वेश्चन, ब्याह करतवानी, इसी बैच में था, कौन बैच में था, अरे सांबल बैच में था होगा। तो वहां बोला सर हम ब्याह करतवानी, इसका अंग्रेजी क्या होगा, है ना। तो बच्चे हैं बड़े तूफान तूफान बच्चे आते हैं, तो खैर नहीं भाई, तो इसको क्या बोल देगा, यरबा में क्या लगेगा सर। तो ये नहीं ध्यान देना है। तो अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ, सॉरी तो काम हो गया, यानी अ लेटर दैट स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू आर, इट टेक्स द आर्टिकल ओनली, यानी एन लगाना क्या होगा, ए लगाना क्या होगा, सही होगा, लिख लो। अ लेटर, आ का मतलब एक नहीं, ध्यान देना, एक ऐसा वर्ड है जिसका हिंदी पता क्या क्या होता है, एक का हिंदी होता है ऑल, एक का हिंदी होता है कोई, तो हो गया, एक का हिंदी होता है एक। ऐसा मत सोचना कि एक का मतलब एक होता है, जैसे हमने अगर हिंदी बोल दिया आ काउ गिव्स मिल्क, तो एक गाय नहीं हुआ, दुनिया की सारी गायें दूध देती है, ऑल द काउज, जिसके हिंदी ऑल द काउज, हिंदी कही तो मर, हिंदी यहां से समझना है, क्योंकि हिंदी बड़ी शॉर्ट है, बहुत कम सिलेबस है उसका, बहुत कम समय में सीखते, बस भावना सीखना है, और हिंदी में 50 भावना है, अंग्रेजी में इतना भावना है ही नहीं। बाप को भी यू बोलो, पत्नी को यू बोलो, दोस्त को यू बोलो, सबके लिए एक ही शब्द है यू, है कि नहीं। तो ये बड़ा अलग से भाषा, इसलिए इसको भावना से खेलना है। तो ये हो गया क्लियर, तो लिखो अ लेटर दैट स्टार्ट्स, अ लेटर दैट स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई, अ लेटर दैट स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई, अ लेटर दैट स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई, ठीक है। इट टेक्स द आर्टिकल ओनली ए, इट टेक्स द आर्टिकल ओनली ए, इट टेक्स द आर्टिकल ओनली ए, जो मन करे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोल रहा हूं, अ लेटर दैट स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई, इट टेक्स द आर्टिकल, इट टेक्स द आर्टिकल ओनली ओनली ए, इट टेक्स द आर्टिकल ओनली ए, ओनली ए, ठीक है। अब ईयर का एग्जाम्पल लिख लो, क्या लग जाएगा, वहीं एग्जाम ला दो, ईयर में लगेगा। मान लो हमने लिखा वुडेन चेयर, बोलो या वुडेन चेयर की आ वुडेन चेयर, अब सोचना ही नहीं सर, डब्ल्यू आई मिलेगा, मैं ये चाप दूंगा। फैक्ट, इंग्लिश में दो ही चीज होता, रूल नाम की चीज नहीं होता, ध्यान देना। अगर मैं भी रूल बोलूं तो समझाने के लिए सिर्फ रूल होता ही नहीं, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज पढ़ो उसमें नियम काम नहीं करता, दो चीज होता है, या तो फैक्ट या तो कॉन्सेप्ट। फैक्ट रटना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे सर पानी, अब तुम पूछो सर पानी क्यों है, आज तक तूने अपने मदर फादर टीचर से पूछा पानी क्यों है, तो वाटर क्यों है, ये फैक्ट है भाई, ये पानी हो, पीने वाले पदार्थ है, इसको पानी कहो, वाटर बोलो, इसका अंग्रेजी हो गया। तो जैसा हिंदी फैक्ट हो अंग्रेजी फैक्ट, कॉन्सेप्ट क्या है तो समझना पड़ेगा क्या मामला है, जो जानते नहीं है बस, समझा। इसलिए डरना डूरना मत, सिखा दूंगा 10 दिन में, ठीक है। तो क्या लिखे, अब वुडेन चेयर, अब सर ने कहा कि डब्ल्यू वाई जहां भी आएगा आंख बंद करके ये लगा देना, तो काहे का सोचना, काहे का साउंड निकालोगे, वू ओ नहीं, टेंशन छोड़ दो, डब्ल्यू वाई आएगा ये लगाएंगे, ठीक है ना। दूसरा एक वर्ड है ए और आई, ए और ये दो तंग करेगा तुमको, जिसको जो तंग करता है उसका इलाज कर दो। तो लिख लो अ लेटर, अ लेटर दैट प्रोनाउंस, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ, अ लेटर दैट प्रोनाउंस, आराम से बोलूंगा, अ लेटर दैट
प्रोनाउंस वर्ड काट दो, मेरा दिमाग वही चल रहा है, अ लेटर दैट स्टार्ट्स, एक कॉपी एक कलम लेकर आयो, सोलो ना, हाँ नहीं तो यहाँ फेर करो तो काटने में दर्द होगा कि लिख दिया था लाल से, अब काटना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अ लेटर दैट स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ, अ लेटर दैट स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ ए और आई, इट टेक्स द आर्टिकल ओनली एंड। अब ए और आई से कोई सब शुरू हो तुम उच्चारण चेक मत करो, फंस जाओगे। कैसे फंसेंगे सर? जैसे इंक पॉट लिखा, अब बोलोगे इंक पॉट तेरा सब काम कर रहा है, तुम लगा देगा कुछ और तो फंस गया ना। तो इससे फंसना नहीं है, बस कुछ भी लिखा जाए सबके पीछे क्या लगा देना, कपति। तो चार लेटर समाप्त हो गए ना, ए आई डब्ल्यू और वाई, और बाकी सिखा दिया साउंड, साउंड चेक कर लेना, इस चार को फैक्ट है याद कर लो, चेक ही मत करो ना, सर ने कहा चेक करो ही मत, क्यों टेंशन से लोग चेक करो, इंक पॉट नहीं, एन आएगा तो आएगा, इफेक्ट हो गया, एन आएगा तो आएगा, इफेक्ट है बस, खत्म कहानी। गलती हो तब मेरे से बात करो, सर फलानी किताब लिखा, फाड़ दो उसको, किसमें कार, तो का क्या आएगा, ए आएगा, वहां से कैसे कार बोलेगा, आ बोल रहा है का बोलने, देखो टच नहीं हो रहा है, का पूरा सट नहीं रहा है, अब देखो और से, यहां तक कसम आ गया, भाभी आ जाओ। इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज हमने आपको क्वेश्चन दिखाया, इतना पढ़ाया, इतना बताया, दिक्कत हो रही है बेसिक में, तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको करना है एक क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड, क्योंकि इससे बेहतर हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में कोई ऐप नहीं है, इंग्लिश पढ़ने का, बोलने का, सीखने का इससे बेहतर कोई ऐप नहीं है, क्रांतिकारी। प्ले स्टोर पर जाना है, आपको जाना कहाँ है भाई, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो, इस क्लास को, और ध्यान देना हमेशा रिव्यू करना है 5 स्टार, क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो आपके पास आपका ऐप है और वो ऐप होना चाहिए 5 स्टार ऐप का, तो आप हमेशा 5 स्टार ऐप देने का प्रयास करेंगे, तभी आप सीख पाएंगे, तभी आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि आपका ऐप है तो आपका ऐप हमेशा 5 स्टार होना चाहिए, क्योंकि आप इस पे पढ़ रहे हो। तो जितने बच्चे DSL के बच्चे हैं, DSL इंग्लिश के बच्चे हैं, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप के बच्चे हैं, तो आपका ऐप नंबर 1 ऐप होना चाहिए, और आने वाले समय में और बेहतर होगा। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, यह कोर्स किसके लिए है, हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, यानी 6 साल से लेकर के 80 साल के बच्चे भी इस बैच को पढ़ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता। आपके फोन में एक क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप होना चाहिए, अगर आप हिंदुस्तानी हैं और चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इंग्लिश का क्रांति हो और हर बच्चा जॉब ले, हर बच्चे की पर्सनालिटी इंप्रूव हो, तो बिना इंग्लिश का नहीं हो सकता। तो एक क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करिए, साथ ही साथ एक क्रांतिकारी बैच भी है, ऑफर 90% तक हमने स्पेशल ऑफर इस बैच में दे दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको साथ साथ काम करना है और साथ साथ एडमिशन लेना है, और उस इस चीज के लिए DSL के सारे बैचेस 999 में, मात्र 999 में कर दिया गया आपके लिए, आपके डिमांड पर, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं बेसिक से एडवांस, आपने देखा ना आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा था ना, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे कि आपसे सब कुछ आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बेसिक से अपने आप को चेक करो, टेस्ट करो, और लेकिन लाइक जरूर करो, अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, और दोस्तों को बता दो कि धर्मेंद्र सर रात को 9 बजे डेली आ रहे हैं, सुबह 10 बजे ऐप पर, और रात को 9 बजे YouTube चैनल पर, सारे दोस्तों बता दो और आज से लग जाते हैं, हिंदुस्तान बदलते हैं, अपने आप को बदलते हैं और एक क्रांति फैलाते हैं इंग्लिश की राह में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चंस। अब मैंने कहा 20 और 26 इन बात आप भाभी सा जाओ, अब बताओ बेटा थोड़ा सा काम करते हैं, एक क है, पहले इसको बाद में आऊंगा, पहले काम समाप्त करता हूं, अब एक बात यहां तक पहले समाप्त कर दे आर्टिकल, फिर आऊंगा लेटर की 44 कैसे होता है, कैसे उस बात करेंगे, पहले कुछ और बेसिक काम कर लें, आज बहुत सारा काम करना है। तो हमने पढ़ा कि भाई वॉवेल कॉन्सोनेंट ये होता है, अब एक बात बताओ, हमने एक संदेश लिखा कि दिस इज ए आस, दिस इज एन आस,
एक दो एग्जांपल आपको दिया चेक करने के लिए, मुझे भरोसा सब सही कर देगा। तो बताओ फर्स्ट राइट में कितने लोग होंगे? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, सारे। ये कौन से पूछ रहे हो सर? अभी करवाया हूं। अगर आपका छोटा बच्चा, अब बच्चा नहीं होगा भतीजा, गांव के लोग मोहल्ले जो पढ़ाते होंगे, मान लो किसको ट्यूशन पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ता है, अगर तुम इसको सही किया और इसको गलत किया, उसने पूछा कि ये सही क्यों है, सिंपल सा वोकल साउंड के पहले लगाते हैं, ये जवाब होगा ना, वो बच्चा मानने को तैयार नहीं, बोला कैसे क्यों एन लगाते हैं, क्या वजह है कि एन लगाते हैं, एक लगाए तो क्या अपराध हो जाएगा। हर चीज को इतना डीप जान लो ना बेटा कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हें परेशान ना कर पाए। भजन पूरा बगल में है मेरा, वहां पे एक जाने वाले अंकल रहते हैं, इनकम टैक्स में काम करते हैं, तो मैं उनके पास गया हुआ था। ये घटना 2-3-4 साल पुराना है, नहीं 5-6 साल पुराना है। तो ऑफिस से शाम में आए, उनका बेटा भाई इनकम टैक्स के ऑफिसर लोग का अच्छा है, बाल बच्चा अच्छा रहता है, तो बढ़िया से पढ़ रहा था। शाम को पिताजी आते थे, टीवी खोलते थे, टीवी देखते थे, और बच्चा चाहता था कि हम भी बाप के बगल में बैठे टीवी देखें, और लेकिन देखे कैसे, बाप पिता पढ़ाई करो, बेटा पापा हम भी देखें, पढ़ो। और ये गार्जियन सबसे बड़ी गलती होती है कि गार्जियन टीवी देखता और बच्चा को कहता पढ़ो, और वही बच्चा बिगड़ जाता है। मुझे दो दो तीन चार दिन और रहने का मौका मिला, तो मैं गया, बच्चा को लगा कि बच्चा आज के बच्चे बड़े शैतान पैदा हो रहा है। वो बच्चा क्या हुआ कि देखा कि बाप देखने नहीं देगा टीवी, कहा ठीक पढ़ेंगे, इंग्लिश का किताब निकाला और बाप से कहा पापा ये वाला ना समझ में नहीं आ रहा। बाप बड़े स्टाइल में क्या बच्ची, अब दिमाग तो उसका उड़ रहा है, धीरे धीरे चेहरा उड़ रहा है बाप का, बता नहीं पा रहा है। फिर कहता है मम्मी से, अरे ट्यूटर नहीं पढ़ाने के लिए आता इसको, हम ऑफिस से थके हार आते हैं, क्या पूछ रहे थे। बेटा समझ गया यही नस है, यही दबाना है। अगले दिन संडे था, छुट्टी था, अब तो थके नहीं आया बाप उसका। फिर आया पापा ए वाला, दूसरा पूछ दिया पापा ए वाला, समझ गया। बाप ने फिर चिल्लाए पत्नी पर, अरे क्या करती रहती हो। बेटा समझ गया कि अब टीवी देख के छोड़ूंगा तुम्हारे बगल में बैठ करके। तीसरे दिन फिर नया खुरफात, ये वाला नहीं आता आज। बाप बोला देखो बेटा टीवी अच्छा सीरियल आ रहा, बैठ के देखे, बैठ के देख भाई। छोड़ो, उस दिन से बाप उसको पढ़ने के लिए बोलना छोड़ दिया, समझ गया कि मेरा भी बाप है, मुझे पानी पिला देगा ये, ऐसे फैक्ट। तो आपको आपके गार्जियन, आपके बच्चे तंग ना करें, इसलिए मेरे यहाँ पढ़ना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है बाबू साहब। तो अगर वो बच्चे ने पूछ दिया कि एन आस क्यों लगाएंगे, क्या वजह है इसका, तो भोबल बोल ना समझ आता, भोबल मैं तो यहां से निकल रहा, तो उसको प्रूफ कैसे करना वो समझो। देखो साइंस कहती है, साइंस की बात समझो, कि समान फ्रीक्वेंसी पे अगर काम किया जाए तो उसे ब्रेकेज होने का डर होता है। आपने 9th क्लास पढ़ा होगा कि एक ओवर ब्रिज पर अगर आर्मी की सेना गुजरा जाए तो एक कदम से कदम मिला के चलने पे रोक होता है, क्योंकि एक सार अगर एक साउंड निकला जाए तो वो टूट जाएगा, राइट। वही आपके थ्रोट कैंसर का भी कारण बनेगा। कैसे सर? ये बोलो वोकल साउंड है कि नहीं, जल्दी बोलो। ये अभी वोकल साउंड है, जल्दी बोलो। अगर इस दोनों को वोकल साउंड वोकल साउंड, तो वाइब्रेशन पैदा हुआ कि नहीं, बोलो जल्दी बोलो। इसलिए गांव मोहल्ले में तुम्हारे अंटी आंटा जो चिल्लाता होगा लड़ने में झगड़ने में पड़ोसी से, अगले दिन यहाँ पे गले पे लेप लगा घूमता होगा। देखा है कि गांव में झगड़ा होने के बाद पुरुष यहाँ पे कुछ लगा लेता है, चुना चुनी कुछ लगाता होगा, लेकिन उसका आवाज फंस जाता है। जब कुछ चिल्ला के बोलता आवाज क्या होता है, फंसता है ना, यानी कि क्या वो वोकल प्लस वोकल, उसने ट्रेनिंग लिया ही नहीं आर्टिकुलेशन का, बोलने का, इसलिए गला फंसता है उसका। तो बोलने का भी आर्ट होता है, कब क्या बोला जाए। तो ये क्या हुआ, गलत हुआ ना। अब देखो ये क्या, ए क्या है, एन क्या है, बोलो ग्रीसिंग हुआ कि नहीं हुआ, फिर क्या हुआ। तो दुनिया का कोई भी साउंड डबल वोकल साउंड होता है, हो ही नहीं सकता है। तो आर्ट के रटने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं कि ये कहां लगाते हैं, कहां लगाते हैं, समझ बात को। आपको ए एन रटने की जितना पढ़ाया मैंने, वो सब शून्य हो गया, सब जीरो हो गया। तुम्हें रटना ही नहीं कि ये कहां लगाते हैं, कहां लगाते हैं। सिंपल से फंडा है कि डबल वोकल साउंड संभव नहीं है,
इसीलिए सही हुआ। अब सुनो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे सर, तो अंग्रेजी में और स्मार्टफोन बोलो, ऐसे बोलना दिस इज ए, प्योर वोकल को साइड साइड कर दो और इस एन को चुपके से यहां शिफ्ट कर दो। ए होता है स्पोकन साउंड, लिखना मत ऐसे नंबर काट देगा, लिखना बोलना, लिखना दिस इज एन आस, बोलना दिस एन आस, एक साथ बोलना इसको एक साथ, ये नहीं कि दिस इज ए नास तो गलत हो जाएगा। फिर मत बोलना सर ने ऐसे सिखाया था, सर ऐसे नहीं सिखाया, दिस इज ए नास नहीं, नास नहीं सिखाया, एक साथ दिस इज अनास, अनास, दिस इज एन एलिफेंट, अलग हो गया, दिस इज आ आ, और एन को शिफ्ट कर दो नेलिफेंट, दिस इज नेलिफेंट, बस ना तो ये साउंड आपका स्मार्ट साउंड होगा। ये साउंड अंग्रेज से बात करोगे तो वही साउंड निकालता है वो, क्योंकि उसके यहाँ दो आर्टिकल नहीं पाया जाता, एक ही आर्टिकल होता है ए, और वो पढ़ते हैं कि अगले साउंड से पहले एन लगाते हैं। हिंदुस्तान चलाक निकला कि हर में एन लगाएंगे, बच्चा ढूंढ लगा नास का हिंदी क्या होता है, अब नास तो मिलेगा नहीं, लड़का हो जाएगा पागल, तो उसने इस नियम कर दिया कि इस एन को शिफ्ट कर दिया, यहां बना दिया एन। रियल बात ये है, सच्चाई ये है, जड़ ये है, रूट ये है, क्योंकि अगर अंग्रेज अंग्रेजी बोलेगा तो वोकल प्रॉब्लम हो जाएगा हमेशा उसको, उससे बचने के लिए काम किया गया है। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये सब जानकारी एग्जाम में नहीं पूछा कि एन कहाँ लगाते हैं, कहाँ लगाते, पूछता है कभी कभी, ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जान जाओगे, 10 क्लास ज्यादा पढ़ लो, क्या हर्ज है, नुकसान तो है नहीं, अरे 3 महीने के बजाय 4 महीने पढ़ लो, क्या आपत्ति किसी को, आगे बढ़े। चलिए बहुत अच्छी बात, अब थोड़ा सा 1 सेकंड क्लास और लेते हैं। अब देखो बाबू का को अंग्रेजी में क्या लिखते हो, मां को क्या लिखते हो, ला को क्या लिखते हो, लिखते हो ना, सबको ज्ञान है, अच्छी बात। इस का, इसको हमने कर दिया क जोड़ म जोड़ ल बराबर क्या बन गया, यहां कर दिया के प्लस एम प्लस एल, हमने कर दिया कमल, बोलो कमल पढ़ोगे इसको, इसको कमल पढ़ पाओगे, जबकि हमने सेम मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा नहीं लगाया, जब के से का होता है, एम से मा होता है, एल से ला होता है, इसको जोड़ दिया कमल हो गया, तो फिर भी तो कमल होना चाहिए, और ना सर के एम एल है, तो इसका मतलब गलती यहां से है, फिर क्या जी गलती यहां से ना है, अगर नो सर जाहिर भाई देखो तुम मानने को तैयार नहीं हो, अगर के से का होता है तो का पढ़ो, एम से मा होता तो मा पढ़ो, एल से ला होता ला पढ़ो, फिर नहीं सर नो सर क्या होता है भाई, हम सीधा बांधते हैं। एक मूवी देखा था, कितना उंगली है, 5, कितनी है, कितना हो गया, अब देखो गिन हो जाए 11, पांच हुआ 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो जाता है ना, ये मूवी में देखा था मैंने कहीं, पता नहीं कोई मूवी था, 5, 11 हाँ सही कह रहा है, हाँ कौन सा मूवी था वो, हाँ किसी मूवी था उसमें जॉनी लीवर पता नहीं कोई हीरो, हाँ बहुत बेहतरीन इश्क मूवी, बहुत बेहतरीन इश्क, हाँ हाँ इसकी टाइप रहा हो। अब देखो अगर के से का होता है तो यहाँ भी का होगा, एम से मा होता है अभी मा होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट गलत है, के से का नहीं होता बाबू, सीधी बात होता क्या है सर, कैसे लिखेंगे इसको, तो होता यह है कि बोलो हिंदी में वर्णमाला होते कितने हैं, 50, लेकिन सारे काम के नहीं हैं, इसमें 4-5 हट गए हैं, तो मान के चलो कि 48 के आसपास ऐसे हैं जो कामक हैं। हिंदी में कितने होते हैं अल्फाबेट, 26, इंग्लिश में कितने, 26, तो बोलो इसके आधे है कि नहीं है, बोलो तो आधा है, यानी कि इंग्लिश का कितना होना चाहिए, इसके साथ आएगा 2 आएगा ना, यानी इंग्लिश का 2 और हिंदी, इंग्लिश का 2 हिंदी का 1, तो इंग्लिश का 1 बराबर हिंदी का कैसे संभव है, इंग्लिश का कितना चाहिए 2 और हिंदी का 1, यानी के ए, समझ में आया, यानी आज के बाद कोई भी लेटर अधूरा मत, और इसी को मिला के बनाते हैं फोनेटिक साउंड। जैसे आज आप मार्केट में जाना, कोई भी डिक्शनरी लेना, उसमें इस तरह का एक स्टैंड बार होगा, उसमें इस तरह की चीजें लिखी होंगी, ऐसा ऐसा आप लोगों को पता नहीं क्या है यार, हाँ
अभी बता आ रहा हूं। इसको बोलते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ये साउंड है, क्या है? और साउंड कभी लिखा नहीं जा सकता। लिखा साउंड को फील करते हैं, कुछ सांकेतिक लिखते हैं। अब आप ही आ जाओ, तुम पढ़ो कमला, देखो बोर्ड पे। अब इसका ट्रिक क्या होता है, दो से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए, ध्यान रखना, दो से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? और वोवेल इसलिए बनाया गया था, एक तो अल्फाबेट के लिए, साउंड के लिए, आर्टिकल के लिए, और दूसरा क्यों बनाया गया था? फिलर को भरने के लिए, फिलर को भरने के लिए। तो इसके बीच में क्या है? फिलर है, और इस फिलर में क्या आ जाएगा? और दो लेटर को जोड़ने के लिए यू का प्रयोग करते हैं, जैसे बट, कट, रट, सट, जो भी बोलोगे बोलो, इसके फिलर भरने के लिए यू का प्रयोग करते हैं। अब तुमसे थोड़ा सा स्पेलिंग इंप्रूव हो जाएगा तुम्हारा। दो से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ए का। और दो को जोड़ने क्या प्रयोग करते हैं? यू का। तो जहां पे फिलर आएगा वहां पे आएगा, बाबू कमला, जहां पे फिलर होगा वहां पे आएगा, अंतिम में नहीं आएगा। अब बोलो के एम एल, फिलर कहां है? तो लगा दो ये, सुनाया। अब इसे तुम कमल पढ़ो चाहे कमाल पढ़ो, स्पेलिंग सेम होगा। जैसे तुम्हें लिखना है जापान, किसी को लिखना है जापान, ये दोनों का स्पेलिंग क्या होगा? इसे तुम जापान पढ़ लो, अब किसी को जापान देश नाम नहीं पता है तो क्या पढ़ लेगा? जापान, कोई पढ़ लेगा जापान? समझ में आ रहा मुद्दा? तो दो से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए क्या लगाना, और दो को क्या लगाना? यू। बात समझ में आया? लिख रहे हो इसको वापिस। ये सब कहां मिलेगा सर? बेसिक किताब में। कहां मिलेगा ये सब? बेसिक किताब। इसलिए बेसिक किताब दो तीन दिन पढ़े खत्म कर लेना उसको, जो बेसिक किताब इसमें नहीं। बेसिक किताब कहां है? बेसिक किताब छोटा वाला, यस, लाओ दिखा दो बच्चों को जैसे, यस, ए वाला किताब, ऑनलाइन ए वाला, ऑफलाइन ए वाला, ठीक है। इस किताब में पहले पेज से जो मैं बनाया था ना फोटो वोटो, सब फोटो वोट इसमें लिखा हुआ, देखो यहां, देखो सारा फोटो वोट सब बना हुआ है, साउंड कहां से निकलता है सब बना हुआ है। पहले पे देखो इतना सुंदर फोटो बना हुआ है कि नहीं, तो सब इसको साउंड पढ़ना है, साउंड कैसे निकालते हैं, आगे नहीं बढ़ना है। किताब हमने कल ही लॉन्च किया है, स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये ट्रेंडिंग में आ गया अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, या फिर आपके नजदीकी बुक स्टोर मिलेगा। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो ट्रांसलेशन का किताब आपके पास से होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से है, इसको भूचाल की तरह खरीदिए और इंग्लिश सीखने का प्रयास करिए। ये आपके नजदीकी दुकान मिल जाएगा, ट्रांसलेशन का किताब है, जुडिशरी के लिए, राइटिंग के लिए यह किताब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जितना कहा जाए उतना ही पढ़ना है, ठीक है बाबू, समझ में आया बात? बुक से पढ़ना बाकी चीज, आगे देखो। अब यहां तक काम समझ में आ गया कि कमल में के मिल, अब अच्छी बात है, इतना बात समझ में आ गया। अब कुछ चीज पढ़ते हैं, सीखते हैं आगे। जैसे तुम खड़े हो जाओ, फाइनेस्ट, तुम्हारा क्या नाम? क्या बोला? तस्लीम। कहां से आए हो? बंगाल से। कैसे आए हो? बता, ट्रेन से नहीं, कैसे? मतलब यूट्यूब देखकर आए हो या यहीं रहते थे पहले से? मेरे से पढ़ने आए हो क्या? आप ग्रामर पढ़ोगे? ग्रामर का स्पेलिंग बताओ फिर, ग्रामर का स्पेलिंग बता सकते हो? हाँ जी, जी, जी के बाद क्या लिखो? जी आर ए डबल एम ए आर की ई आर। अच्छा, कितने लोग ए आर में हाथ उठाइए, कितने लोग ई आर में हाथ उठाइए, ई आर में, ई आर में, दोनों में हाथ उठ गया, बैठ जाओ। अब आधा गलत तो होगा ही होगा, अभी पढ़ाया था कि दो से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए क्या लगाना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं, रट्टा मार रहा है तो फिर फंस रहा है। ये बताओ कि दो से अधिक लेटर नहीं है तो ए ना आएगा बाबू, ए ना आएगा। लगता है सर ये चाप दो, लगता है ये वाला, ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया बात? अच्छी बात। अब इसी के आधार पर चेक करता हूं स्पेलिंग, और बेगर का हिंदी क्या होता है? बेगर, भिखारी। बेगर का स्पेलिंग तुम बताओ, गर्ल, बी आई डबल जी, ये बिगर हो गया,
ये हो गया बिगर, हम बोल रहे हैं बेगर, हाँ बी ई डबल जी ए आर की आर। कितने लोग बैठ जाओ, कितने लोग ए आर में हैं, कितने लोग ई आर में हैं, ई आर में फिर गलती, मैं तुम्हें लगा कि सर अभी बदल दिए हो कुछ मामला, नहीं अरे बदले नहीं, कॉन्फिडेंस चेक कराऊं बाबले, कॉन्फिडेंस चेक कर रहा हूं। और दो स्पेलिंग तो अपने 10 मिनट से पूछना कि बगैर स्पेलिंग, सब लोग लिखेगा बी डबल जी ई आर 99.9%। हमने अच्छे अच्छे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी देखा स्पेलिंग गलत लिखते हुए, और इसीलिए नंबर कटता है। वजह यही है कि आपका मीडियम चेंज होने में दिक्कत होता है, आपका स्पेलिंग इंप्रूव नहीं होता। तो जो चीज हमने कहा था, सर ने बताया, उसको समझिए, 99.9% ए आर लगाना दो से अधिक जुड़ने के लिए, 99.9% एक आध परसेंट है वो कहीं दिक्कत, वो बताया जाएगा आगे कि जहाँ प्रॉब्लम होता है, ठीक है बाबी सर। यहाँ पे बाकी बेसिक सिखा रहा हूँ, उसने प्रयास करिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ तो अल्फाबेट क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, ए एन कहाँ लगाएंगे, समझ में आ जाएगा मुद्दा, स्पेलिंग इंप्रूव हो जाएगा। हमें मेरा मकसद है थोड़ा थोड़ा हेल्प करना। घर पे 22 घंटे आप रहते हो, आप क्या करते हो ये आपको देखना, आपने डिसीजन लेना है क्या मैं करता हूँ। रात को सोने से पहले जरूर लिखो क्या करना है, क्या किया आज भर, सुबह जगो लिखो आज का क्या प्लान है, सुबह प्लान लिखो, रात में जो प्लान हुआ कि नहीं उसको देखो, और देखने के बाद मिला लो। पढ़ने का तरीका बस यही होता है कि आप हर दिन एवरीडे अपने आप को एक रूटीन में बांध दो। एक साल नहीं बल 12 महीने का मकसद है, 12 मंथ्स में कोई जॉब ले लो, यहाँ से दिल्ली से भागो क्योंकि यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। बस मेरे हम लोग तो मजबूरी में रहते हैं पढ़ाने के लिए, तुम लोग जॉब ले लो, तमगा ले लो, इंस्पेक्टर बन जाओ, इनकम टैक्स में आ जाओ, मेरा मदद करो, है कि नहीं। तो इस तरह से आ जाओ आराम से, है ना, हर चीज कर करके आओ। तो 12 महीने पढ़ना है, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 12 मंथ्स एसएससी की तैयारी करते हो तो 12 मंथ्स 6 आवर्स डेली, और अगर आईएएस की तैयारी करते हो तो 12 महीना 10 घंटा डेली, ठीक है। एक कंसिस्टेंट रहेगा, परसिस्टेंट रहोगे तो कहीं जॉब लग जाएगा, गारंटी है, मुझसे साइन करवा लो। लेकिन अगर 6 घंटा से 4 घंटा हुआ दिक्कत है, 10 से 6 हो गया तो गलत है। आईएएस बनने के लिए 10 घंटा और एसएससी के लिए 6 घंटा, ठीक है। कैसे पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ना चाहिए, सब बताऊंगा रूटीन में, ठीक है। बाबी साहब तो हमने पढ़ा लेटर, क्लियर, अल्फाबेट पढ़ा, अच्छी बात, हमने लिखा ए सी डी। ये बताओ ये लेटर है कि अल्फाबेट है, लेटर की अल्फाबेट, कितने लोग अल्फाबेट में है इसको बोलने के लिए। अल्फाबेट होता है ए से लेकर जेड तक, ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं, अल्फाबेट ग्रुप ऑफ लेटर्स को बोलते हैं, जो पूरे एक समूह, एक पूरा घर है उसका, और उसके एक पार्ट को क्या बोलते हैं, लेटर, इसको हिंदी में अक्षर बोलते हैं, ठीक है ना, वर्ड बोलते हैं। यहाँ ग्रुप नहीं है, पूरा घर है, जाति है, पूरा घर ए से लेकर जेड तक। अब ग्रुप का मतलब सिर्फ ग्रुप लिखने से है ना, एक वेल अरेंज चाहिए, मीनिंगफुल चाहिए, तब शब्द होगा, क्या समझा। अब तुमने कहा ग्रुप लेटर, देखो लिख दिया हमने, ये हुआ वर्ड, फिर तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना, ठीक है, चलो वापिस आते हैं। अब अगला पार्ट हम लोगों का, हमने कल पढ़ा था सब्जेक्ट, वर्ब, और अब ये वाला पार्ट पढ़ना, वर्ब क्या होता है, क्लियर, हेडिंग बनाइए वर्ब, कल मैंने टेस्ट करवाया था ना, कल टेस्ट मिला था दूसरा, उसका आंसर आज करवा दूं कि कल करवा दूं, कल करवा दूं, हाँ टेस्ट मैं अल्टरनेट दे दिलवाता हूं अभी, चूंकि अभी आपका बेसिक कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए अभी टेस्ट अल्टरनेट, आज आज टेस्ट मिला है, आज टेस्ट नहीं मिला होगा तो अभी मैं टेस्ट अल्टरनेट दिलवाता हूं, कुछ पढ़ लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, वरना अभी टेस्ट दे थोड़ा सा, जैसे कल ही बहुत बच्चों दिक्कत हो रहा था वर्ब की, हाँ बोल बाबू, छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा, एकदम डाउट, तुमको छूटेगा ही नहीं, हर दिन डॉट जैसी कांटा जाएगा, छोड़ दूंगा छोड़ो, भाभी से आ जाओ। वर्ब की बात करें हम लोग, वर्ब क्या है, अब देखो बेटा वर्ब आप बचपन से जानते ही थोड़ा होंगे, नहीं भी जानते हो कोई बात नहीं, वर्ब पहले हिंदी में समझो, एक व्यवहारिक ज्ञान, दुनिया का कोई शब्द जिसके अंत में ना लगा हो या ना लगने की संभावना हो उसे वर्ब कहेंगे, हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं। जैसे हिंदी में वर्ब कैसे पहचाने, तो हिंदी आएगा तभी तो कुछ थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी आएगा, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में ढालने का प्रयास कर रहा हूं। तो दुनिया का कोई शब्द जिसमें ना लगा हो,
या फिर ना लगा दें तो लग जाए, उसे क्या कहते हैं हिंदी में? ये लाइन लिख लिया तो कहूंगा तब लिखोगे, एक अच्छा बच्चा लिखता है हर चीज। हाँ अच्छे बच्चे हो तुम। दुनिया का कोई शब्द जिसमें ना लगा हो या ना लगने की संभावना हो वर्ब कहलाता है। दुनिया का कोई शब्द जिसमें ना लगा हो या ना लगने की संभावना हो वर्ब कहलाता है। एडवांस नहीं ना है तो मार्केट का कुछ भ्रम भी है कि धर्मेंद्र सर हाईली एडवांस पढ़ाते हैं बेसिक नहीं पढ़ाते, ऐसा लग रहा है तुम लोगों को? बेसिक है ना बस। तो हमने कहा दुनिया का कोई शब्द जिसके अंत में या ना लगने की क्या कहलाएगा? एग्जाम्पल जो मनाता लिखो, पढ़ना हंसना गाना खेलना कूदना रोना पिटना सब वर्ब है, लिखो हंसना गाना पढ़ना लिखना खेलना कूदना। एग्जाम्पल लिखो पढ़ना हंसना गाना खेलना कूदना, सब लिखो पढ़ना हंसना गाना खेलना कूदना। तुम्हारे मन में जो आता सिर्फ दो जिसमें ना लगा हो। अब डर है अंदर से हिंदी पहचाने के लिए? हिंदी में पहचान लोगे ना भाई, जब हिंदी में वर्ब आ जाएगा तो उसी को अंग्रेजी बना देना। पढ़ना का रीड, खेलना का प्ले, सोना का स्लीप, हंसना का लाफ, खाना का ईट। मतलब भोजन को जो रखा हुआ है चावल दाल उसको फूड बोलते हैं, उसको जब खाओगी तो ईट बोलते हैं। अच्छा पूछो भर हुआ कि नहीं? हाँ भर हुआ, सब भर है। तो क्या लिखा? खाना पिटना, पिटना भी हो जाएगा, रोना भी हो जाएगा, ठीक है सब। अब हाँ अब आता हूं कटरीना करीना। तो जिसको तुम देख सकते हो छू सकते हो वो सब नाउन होता है। कटरीना को छू नहीं सकते, देख तो सकते हो, तो देख सकते हैं ना, तो क्या हो गया नाउन, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने कहा ना लगने की संभावना है, तुमने बोला जीना मरना, सब वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब है, क्योंकि मरना क्या होता है? जीना का लीव, ठीक है सब वर्ब है सारा, जब तक कि तुम कोई नाउन व्यक्ति ना आ जाए, है ना। जैसे हमने कहा तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, अब सर ना तो नहीं लगा है लेकिन ना लगने की बोलो पढ़ना हुआ कि नहीं हुआ? तो भर हो गया ना। वह हंसता है हंसना, तुम खेलते हो खेलना, वह दौड़ता है दौड़ना, वह रोता है रोना। तो बोलो हिंदी में समझ लोगे ना, किसको आपत्ति होगा? नहीं होगा। तो यहां तक आपत्ति नहीं होगा तो आगे बढ़ते हैं, अब अंग्रेजी में बात करते हैं फिर, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश में कि वर्ब क्या है, वर्ब क्या है। अब देखो वर्ब का मतलब होता है क्या, वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बींग समथिंग, अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बींग समथिंग। अब इंग्लिश में समझो, हिंदी समझ तुमको आ गया तो अंग्रेजी समझ में आ जाएगा, फिर वापिस आ जाओ। वर्ब क्या है बेटा? वर्ब एक एक्शन है। इस दुनिया में जितने भी एक्शन, एक्शन क्या है सर? स्टाइल। एक्शन क्या है? स्टाइल, तुम्हारा चलने का ढंग, रोने का ढंग, तुम्हारा जितने भी स्टाइल है ना वो सब वर्ब, तुम्हारी अदाएं वर्ब है। और उस अदाओं को तुम लगता है देख रहे हो लेकिन देखते, इसलिए वो नाउन भी बन जाता है। अब बच्चा चकराता यहीं पे है, वही शब्द नाउन वही शब्द वर्ब। यूपीएससी में 5 नंबर का क्वेश्चन, इस वर्ड को वर्ब बनाओ, दिमाग पागल, अरे काऊ गाय है वर्ब कैसे बना दें? काऊ नाउन है वर्ब कैसे बना दें? बैंक नाउन है वर्ब कैसे बना दें? बस समझ पा रहे हो ना। तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड को तुम वर्ब बना सकते हो जो इस दुनिया में नहीं है। जैसे मैं कहूं चलना, चलना देख रहे हो, देख रहे हो लेग्स, देखते तो पर हाँ सर कलम देख रहा हूं तो नाउन हो गया लेकिन चलना नहीं था। रोना देखते हो किसी का है तो हाँ सर देखते तो है, यहां से आंसू गिरते रहता है, तुम आंसू देख रहे हो, रोना कहाँ है? हंसना लिपस्टिक हंसना है कहीं? तो रोना ग्लिसरीन डाल दिया आंसू खूब निकलेगा, मिर्ची डाल दो आंसू खूब निकलेगा, तो क्या रो रहा है? चोर को खूब कुटता है लोग लेकिन आंख से आंसू नहीं गिरता है लेकिन अंदर से रो रहा होता है बेचारा। तो आंसू निकलने का मतलब रोना नहीं होता,
रोना एक स्टाइल है, एक एक्शन है। अब स्टाइल में रो रहा है, कहीं जाओ किसी के यहाँ तो उछल के नाच के गिर के पड़ के रो रहा है, गाना गा के रो रहा है। कोई आदमी मासूम बैठा हुआ है, सिर्फ आंसू गिर रहे हैं। तो रोना क्या है? एक्शन है। उस आंसू जो गिर रहे हैं ना, उस स्टाइल को हम रोना कहते हैं। समझ पाए बात को? जो दांत निकाल रहा है उस स्टाइल को हंसना कहते हैं। कोई दांत नहीं भी निकाला तो भी हंसना है, मुस्कुरा रहा है, उसका नाम अलग अलग है। हंसने के 50 मीनिंग है, चुक्कल, लाफ, बस समझ पा रहे हो ना, ग्रीन, स्नीकर, स्नीगर, ये सबका मतलब हंसना है। मुचान को हंसा, चुक्कल, समझ पा रहे हो ना। तो ये सब लिखवाऊंगा और सबके साथ प्रीपोजिशन एट लगता है, चुक्कल एट, लाफ एट, स्नीकर एट, स्नीगर एट, स्मर्क एट। स्मर्क मतलब हंसना होता है, बस समझ पा रहे हो। तो सब अनेक वर्ड लिखवाऊंगा, हंसते 50 तरह से हंसते हम लोग, हा हा हंस दिया, वो भी हंसी है, हंस पा रहे हो ना, ही हंस दिया, उसमें हंसी अंग्रेजी अलग है। तो सब लिखवाया जाएगा आपको एनीवे। तो हम लोग वर्ब क्या भाई? तो वर्ब है अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब।